हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नए डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिए। देखिए इस तरह, देखिये हमने ये डिजाइन के लिए अलग से कपड़ा लिया है। मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिये ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 14 इंच ली है, तैयार में ही 13 इंच आएगी। ये हम 32 साइज बना रहे हैं तो डबल फोल्ड हमने 8 इंच लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। शोल्डर 6 इंच लिए, मोटे भी 6 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए जो हम डिजाइन कट करेंगे लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर ब्लाउज को ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए शोल्डर से 3 इंच निशान लगा लेते हैं, इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी हम 3 इंच लेंगे और इसमें हम 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए इस तरह में ड्रॉ कर लिया है और यहां से हम 1/2 इंच पे निशान लगाते हैं इस तरह, और यहां से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए यहां से हम इस तरह गुलाई देते हुए, देखिए इस तरह अब सेम कॉपी से हम कट करेंगे। देखिए इस तरह में कट कर लिया है। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज इधर रख लिया है, इसके ऊपर इस तरह लाइनिंग रखेंगे। और देखिए इस तरह और पूरे में इस तरह सिलाई लगा देंगे पूरे में। देखिए कैनवास में डबल फोल्ड करिए और जो हमारा ड्राफ्ट निकला था इसे हम इस तरह रखेंगे। और देखिए यहां से हम 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं और एक हम ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह। देखिए जो हमारा ड्राफ्ट निकला था इसके बिल्कुल निशान लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह सब हटा देंगे और जो हमने 7 इंच निशान लगाया है इस तरह अब हम 1-1 इंच निशान लगा लेंगे पूरे में। देखिए इस तरह यहां से हम 20 रुपए लेके जाएंगे इस तरह और सेम इस तरह हम कट करेंगे इसे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए इस तरह का कपड़ा मैंने उल्टा रखा है और उसको मैंने कैनवास रखे पूरे में हम आयरन से पूरा सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरा आयरन से सेट करके और मैं जो एक्स्ट्रा था बीच का साइड से वो भी मैंने बिल्कुल कट कर दिया। देखिए किनारे से देखिए जो मेरा ड्राफ्ट निकला था बीच का इस तरह सेम ड्रॉप हम कट कर देंगे। देखिए सेम मैंने इसी तरह कपड़े में भी कट कर लिया। इस तरह हम पूरे में सिलाई लगाएंगे इस तरह और नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे जिससे हम पलट सकेंगे इसे। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज इधर रखी है, इसको ऊपर लाइनिंग रखेंगे इस तरह और पूरा हम पिन से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी, अब बीच का हम कट कर देंगे।
देखिए इस तरह मैंने कट कर दिया है, अब हम इस तरह अंदर से कट कर देंगे इसे। देखिए जो हमारे किनारे एकदम सुई की मदद से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, जो मैं पट्टी तैयार की थी इसे हम यहाँ से इस तरह रखेंगे और पूरा पिन से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने पिन से सेट कर लिया और यहाँ से हम बीच में लगाएंगे लेस पहले। देखिए इस तरह मैंने बीच में लेस लगा दी, अब हम यहाँ पे इस तरह लेस लगाएंगे पूरे में। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी, अब हम ऊपर भी लेस लगाएंगे बाहर। देखिए इस तरह मैंने लेस लगा दी, अब नेक पे लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने नेक पे लेस लगा दी है, जो पट्टी कट की थी इस तरह सीधा रखेंगे, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और सिलाई लगा देंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह मैंने यहाँ से थोड़ा सा खुला छोड़ा है, इस तरह पलट देंगे इसे। देखिए इस तरह, और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह, देखिए यहाँ बीच में इस तरह सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम पट्टी लगा दिए और नीचे हम फिनिशिंग देंगे इसमें, फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। नीचे फिनिशिंग दे दिए, देख सकते हैं इस तरह ना पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी, ऊपर पूरे में लेस लगा दी, देख सकते हैं हमने ऊपर नेक में भी लेस लगा दिए, देख सकते हैं कितना सुंदर ऊपर हमारे ब्लाउज। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक।